तो गाइज ये जो न्यूज है वो है एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव अभी बिग बॉस के घर में है और वो कुछ दिनों पहले बैठ के खाना खा रहे थे, तब वो दो पराठे खा चुके थे और वो तीसरा पराठा लेने जा ही रहे कि फलकनाज ने उनको एक ताना मारा। घर में सबके लिए दो पराठे ही बनते, तीसरा पराठा नहीं बनता है, जबकि वहाँ एक्स्ट्रा पराठे रखे हुए थे। तो एल्विश यादव ने उनको बोला कि यार हम एनजीओ चलाते हैं और हम खाने को लेके कभी भी किसी को ताना नहीं मारते, हम भरपेट खाना खिलाते हैं, खाने को लेके कभी भी किसी को नहीं टोकना चाहिए। तो ये जो चीज थी उनके फैंस को भी अच्छी नहीं लगी और उनको भी ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बट उन्होंने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया। और इस बात पे जो है एक्स कंटेस्टेंट मनु पंजाबी ने भी अपने चैनल पे रिएक्ट किया। एंड पलक जी मैं आपको एक बात बताता हूं, जो उसने आपको कहा ना मेरे एनजीओ में आना, ये करना, वो करना, लास्ट में हम लोगों ने सुना कि 6 पराठे पड़े हुए थे, पर पराठों की कैलकुलेशन करना, किसी की प्लेट से पराठा छीनना नहीं कहलाता है, किसी के कान के पास से आते जाते हुए ये बोलना कि किसके लिए कितने हैं, कितने खाने हैं, कितने मिलेंगे, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों के साथ, पलक जी मैं आप जैसे लोगों के साथ सीजन स्पेंड करके अंदर आ चुका हूं कि आप जैसे लोग ताने मारना बहुत है। मैंने भी घर में खाना तक छोड़ा था, हंगर स्ट्राइक तक की थी, वो बिग बॉस को नहीं दिखानी होगी, दिखाई होगी मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने अपने एपिसोड्स देखे नहीं। दो दो ढाई ढाई तीन तीन दिन तक हम भूखे रहे क्योंकि आप जैसे कुछ लोग ताना मार देते थे, ताना ताना। तो अगर एल्विश को अपना ताना छुपाना तो वो कह रहा है खाते टाइम तो नहीं बोलना चाहिए,